हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सातवीं कक्षा की मराठी की कविता। दोस्तों, कविता का नाम है प्रार्थना। नाम को ही देखकर आपको मालूम पड़ रहा होगा प्रार्थना मतलब प्रेयर। दोस्तों, आज मैं आपको हर एक वर्ड हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्रार्थना, प्रार्थना मतलब फ्रेंड्स प्रेयर। ये कविता पहले दी गई है बुक के, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं फ्रेंड्स, तो हर मीन्स कोई भी दिन जाते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्कूल को जाने से पहले प्रेयर करते हैं। प्रेयर को ही हम मराठी में प्रार्थना बोलते हैं फ्रेंड्स। प्रेयर जो गॉड से हम लोग प्रेयर करते हैं ना, जो मांगते हैं उसे प्रेयर कहते हैं, और उसे ही मराठी में प्रार्थना कहते हैं। तो हमारी कविता का नाम ही प्रार्थना है, यानी कि प्रेयर हो गया। तो आपको प्रार्थना का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए कविता समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कविता समझ लेते हैं। नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा। नमस्कार, जब हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं फ्रेंड्स, कि मीन्स अभी हम लोग भगवान से बात कर रहे हैं तो नमस्कार पहले स्टार्टिंग में नमस्कार करते हैं। तो वही ये जो प्रेयर में हम लोग अभी प्रेयर बोल रहे हैं, तो पहले हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं, किसको मीन्स नमस्कार कर रहे हैं? नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा। अब ज्ञान मंदिर का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ज्ञान मंदिरा, पहले आप ज्ञान का मतलब समझाता हूँ। ज्ञान का मतलब नॉलेज, नॉलेज। और मंदिर, मंदिर मतलब बड़ा, जहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। तो हमें नॉलेज कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? स्कूल से मिलता है। तो ज्ञान मंदिर का मतलब हो गया शाड़ा। मराठी में बोलेंगे तो शाड़ा, हिंदी में बोलेंगे तो स्कूल। तो नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, ज्ञान मंदिर मतलब जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, तो उसे हम ज्ञान मंदिर बोल रहे हैं, यानी कि शाड़ा, यानी कि स्कूल। तो हम स्कूल को नमस्कार कर रहे हैं कि अरे हम जो हमें ज्ञान देते हैं उसे हम नमस्कार कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरा, तो स्कूल के बारे में बता रहे हैं। स्कूल कैसा हमारा? सत्य, सत्यम मतलब ट्रूथ, सत्यम मतलब सच्चा, शिवम मतलब गॉडलीनेस, मतलब गॉड के जैसा। अब हम स्कूल को रोज जाते हैं, पढ़ते हैं, हमें उससे ज्ञान मिलता है। तो किसके साथ हम लोग उसकी तुलना किए हैं फ्रेंड्स? गॉडलीनेस मतलब गॉड के जैसा। हमारा स्कूल कैसा? गॉड के जैसा हमारे लिए। सत्य है मतलब मीन्स हमारे लिए ट्रूथ है, सच है, हमारा स्कूल सच है और हमारे लिए गॉड जैसा है। और सुंदरा मतलब ब्यूटी, ब्यूटी है मतलब ब्यूटी, मतलब ब्यूटीफुल है। स्कूल कैसा है? अच्छा है, ट्रूथ है, सच्चा है और गॉड के जैसा है और सुंदर है। ऐसा इधर दो लाइन में बताया गया है। स्कूल को पहले नमस्कार कर रहे हैं और स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि स्कूल हमारा सच्चा है, अच्छा है और ब्यूटीफुल है और गॉड जैसा है, ऐसा बताया गया है। तो अभी देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में। शब्द रूप शक्ति दे, भाव रूप भक्ति दे, प्रगति सा पंग दे चिमन पाखरा। शब्द रूप शक्ति दे मतलब ये जो तेरे से मांग रहे हैं, अभी हम लोग गॉड से बोल रहे हैं कि ये जो शब्द रूप मतलब हमारे जो वर्ड्स हैं, हम जो तेरे से मांग रहे हैं उसमें वो हमें करने की शक्ति दे। जैसे हम अब गॉड से कुछ मांगते हैं, अब गॉड हमें इतने मार्क्स स्कोर करना है, इतना हेल्प कर, तो ये जो हम बोल रहे हैं तेरे से वो करने की शक्ति हमें दे, ऐसा बोल रहे हैं। अब हम लोग कभी भी गॉड से प्रॉमिस करते हैं तो गॉड से हम लोग बोलते हैं कि हमें ये करने की शक्ति दे, वैसे ही शब्द रूप शक्ति दे। जो हम लोग तेरे से मांग रहे हैं, जो वर्ड्स हम लोग तेरे से बोल रहे हैं उसे हमें करने की शक्ति दे, ऐसा बोला गया। भाव रूप भक्ति दे, हम जो तेरे से भक्ति कर रहे हैं, जो तेरे से प्रेयर कर रहे हैं, जो तेरे से मांग रहे हैं उसमें हमें अच्छे करने की भक्ति दे, ऐसा बोल रहे हैं। प्रगति सा पंख दे चिमन पाखर। अब प्रगति का मीनिंग इधर क्या है? प्रोग्रेस। प्रगति मतलब प्रोग्रेस, हमें इतने प्रोग्रेस कर कि हम मतलब ऐसा बताया गया है कि हमारे को प्रोग्रेस की पंख लगा दे ताकि हम प्रोग्रेस में उड़ते रहे और उड़ते रहे और प्रोग्रेस पाते रहे और पाते रहे, ऐसा बताया जा रहा है। चीमन पाखरा मतलब जो छोटा बच्चा, मतलब गॉड से हम लोग बोल रहे हैं कि मैं जो तेरा छोटा बच्चा हूँ तो उसे इतना प्रोग्रेस दे दू कि इतना प्रोग्रेस दे कि मैं बहुत आसमान में उड़ सकूं, मुझे प्रोग्रेस के पंख दे दू, ऐसा बोल रहे हैं। विद्या धन दे आमांस, मतलब जो विद्या का धन है, ये जो बुक का जो नॉलेज है वो हमें दे, सारा दे।
एक छद्य एक ध्यास, मतलब हमारी हॉबी भी एक हो, हमारा एम भी एक हो, हमें एक हॉबी दे जिसमें हम काम कर सके, और एक हमें एम दे ताकि हम उस पर फॉलो कर सके और उसे हासिल कर सके। छद का मतलब हॉबी होता है, छंद का मतलब हॉबी, ध्यास का मतलब एम। समझ गया आपको? नाव नई पलटीरी दया सागरा, मतलब जैसे नाव, अभी नाव है जीवन की जो हमारी नैया है, वो जैसे अब सागर में आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही हम कामयाबी पाते आगे बढ़ते जाए पूरा किनारे तक, ऐसा बताया गया है। पूरा हम सागर तक बहते रहे प्रोग्रेस आते रहे हमारे अंदर, हम कुछ नया नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, ऐसा बताया गया है। अब देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ में क्या है। हो आमी नीति मंत, मतलब हमारी जिंदगी में कोई प्रिंसिपल्स दे। नीति मंत का मतलब फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स, हमारी जिंदगी में कोई प्रिंसिपल्स हो ताकि कोई हमें अच्छा सिखा सके, कोई अच्छा नॉलेज दे सके, ऐसा बोला है। कला गुनी बुद्धि मंत, हमें एक आर्ट दे, कला दे हमें कुछ कि हम जीवन में कर सके। और बुद्धि मंत मतलब हमें इंटेलिजेंट बना, ऐसा बोला है। कृतिचा कड़स जाय उंस आंबारा, मतलब देखो फ्रेंड्स इधर आपको दिख सकता है, जैसे अभी मंदिर, अब मंदिर कैसी रहती है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मंदिर रहती है, ये देखो इस तरह से मंदिर रहती है ना फ्रेंड्स, इसका ये जो टॉप वाला जो पार्ट रहता है वो पूरा एकदम ऊंच आसमान तक चले जाता है, पूरा ऊंच आसमान तक ऐसे ऊपर ट्रायंगल शेप में जाता है ना फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। वैसे ही हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो कामयाबी है, वो बढ़ते रहे पूरा आसमान तक चले जाए, हम भी उतनी ऊंची कामयाबी हासिल कर सके, कुछ इस तरह से ये पोयम में बोलना चाह रहे हैं। ये पोयम है प्रेयर की, आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। तो अभी देख लेते हैं ये पोयम से हमारे कवि जो है हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, प्रस्तुत प्रार्थनेतुन, ये जो प्रस्तुत मतलब ये जो प्रार्थना है, शाड़े विषय प्रेम जीवाड़ा वो कृतज्ञतीचे भावना व्यक्त के लिए आहे, मतलब ये कविता के अंदर हमारे कवि क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा जो स्कूल के प्रति प्रेम है, लगाव है, उसकी भावना से हम जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। जैसे हम स्कूल को ज्ञान मंदिर बोल रहे हैं, हमें स्कूल से प्यार है, हम स्कूल से सीखते हैं, वो ये पोयम में हमारे कवि जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं। उसका लगाव, स्कूल के साथ हमारा लगाव, स्कूल के प्रति हमारा प्यार, वो हमें ये पोयम में कवि ने व्यक्त किया है। आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।